मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद सबके मन में ये सवाल आ रहा था कि अब प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। बहुत सारे नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन 11 दिसंबर को सीएम के नाम की घोषणा की गई और वो नाम है मोहन यादव। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक हैं। वो बीएससी, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। आइए आज जानते हैं मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव की नेटवर्थ के बारे में। मोहन यादव के पास करोड़ों की संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में इसका खुलासा किया था। MyNeta.com के मुताबिक मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के पास कुल 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके ऊपर देनदारी की बात करें तो ये करीब 9 करोड़ रुपए है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की गिनती राज्य के अमीर नेताओं में की जाती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 2018 के हुए विधानसभा चुनाव में अधिकतम संपत्ति घोषित करने वाले राज्य के टॉप 3 मंत्रियों में पहले नंबर पर भूपेंद्र सिंह और दूसरे नंबर पर मोहन यादव का नाम था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में मोहन यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इस पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली की कुल नेटवर्थ 42 करोड़ में से मोहन यादव के पास 1,41,000 रुपए कैश, जबकि उनकी पत्नी के पास 3,38,000 रुपए की नकदी है। बैंकों में जमा राशि की बात करें तो अलग अलग बैंकों में उनके और उनकी पत्नी के अकाउंट्स में 28,68,00,000 रुपए जमा है। पीएचडी की डिग्री रखने वाले मध्य प्रदेश के नए सीएम इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कई कंपनियों के शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स में 6,42,00,000 रुपए का निवेश किया हुआ है। सेविंग अकाउंट्स में भी उन्होंने पैसे जमा किए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहन यादव के नाम बजाज एलायंस में करीब 3,00,000 की पॉलिसी है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर रिलायंस निपॉन, बजाज एलायंस में 9,00,000 रुपए से ज्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मोहन यादव के पास मौजूद ज्वेलरी के बारे में हलफनामे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक उनके पास करीब 140 ग्राम सोना है, जिसकी बाजार वैल्यू तकरीबन 8,00,000 रुपए है। वहीं उनकी पत्नी के पास 250 ग्राम सोने के जेवर और 1 किलो 200 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत लगभग 15,78,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास 22,00,000 कीमत की एक इनोवा कार और 72,000 रुपए कीमत का सुजुकी स्कूटर है।